ආදුන්න දානවර්මනි සික්කාපතිං ස්මාදියාමි ආදුන්න දානවර්මනි සික්කාපතිං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 66 යා 66 66 या 66। ये जो कथा है ये राजग्रह की राजगीर की या राजग्रह की है। सुपुद्ध जो सुपुबद्ध यानी जो सु और पबुद्ध होता है उसको सुपबद्ध बोलते हैं या सुपबुद्ध बोलते हैं। सुपबुद्ध या सुप्रबुद्ध नाम है। सु माने अच्छा, प्रबुद्ध माने जागृत। मगर ये जो सुपबुद्ध है ये बहुत ज्यादा गरीब है और बीमार है। इसको कोढ़ खाज जैसी एक बीमारी है जो खत्म नहीं होती है। तो अपनी बीमारी के कारण और अपनी गरीबी के कारण ये एक बार भगवान बुद्ध जब राजगृह में देशना दे रहे थे, जब लोगों को धम्म समझा रहे थे, सिखा रहे थे, तो ये सबसे पीछे भीड़ में चुपचाप बैठ गया जाके और ये धम्म को सीखने लगा। और धम्म को सीखते सीखते ये धम्म में जागृत होने लगा। जब सारी भीड़ चली गई तो उसने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि आप मुझे धम्म सिखाएं, संग में ले लें। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये सिर्फ सुनकर ही और पीछे भीड़ में धम्म को जानकर ही सोतापन हो चुका है। उन्होंने उसको संग में ले लिया। वो संग में आ गया। संग में आने की खबर बहुत तेजी से पूरे राजगृह में फैल गई कि ऐसे ऐसे जो सुप्रबुद्ध जो बंदा था उसने जो कोड़ी था, जो मांग के खाता था, जो बीमार रहता था, वो भी अब धम्म में धम्म सीख रहा है। ये बात जो धम्म के विरोधी थे, जो अधम्मिक लोग थे, जो धम्म का विरोध करते थे, जो बुद्ध का विरोध करते थे, उनके शिष्यों का, भिक्षुओं का विरोध करते थे, क्योंकि कहीं भी कोई अगर नया विचार और नई बात अगर आती है तो पुरानी बात या पुराना विचार उसका विरोध करता है बिना जाने, अंधभक्ति में या अपने आप को बचाने में या अपना शासन यानी जो अपनी शिक्षा है उसको खतरा महसूस होता है कि हम तो खत्म हो जाएंगे, या वो अधीनता स्वीकार नहीं करता, या उसका ईगो होता है, या जलन या ईर्ष्या, या बहुत सारी बातें। तो जो पुराने लोग थे उनको इस बात से जलन थी, इस बात से बड़ी ईर्ष्या थी कि बुद्ध का वर्चस्व, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की वाणी, बुद्ध का सिखाने का तरीका और जो बुद्ध सिखाते हैं सम्यक समय वो बहुत जानदार है और लोग उसको अपनाते चले जा रहे हैं। तो जो सुप्रबुद्ध था, सुप्रबुद्ध को लालच दिया गया कि देखो तुम मांग के खाते हो, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे, तुम इसको छोड़ दो। बहुत तरह से लोभ लालच दिया गया, समझाया। सुप्रबुद्ध क्योंकि सोतापन हो चुका था, अब उसका संशय दूर हो चुका था, यानी जो काया के प्रति उसकी दृष्टि थी कि ये काया ना मेरी है, ना ये अनंत तक रहेगी, ये खत्म हो जाएगी, और जो अनात्मवाद था यानी कि मैं जब तक हूं जब तक रहूंगा, उसके बाद मेरा आगे फिर बर्थ मेरे कर्म के अनुसार होगा, या उसका जो संदेह था बुद्ध के ऊपर वो खत्म हो चुका था, या जो उसने पुराना कोई उसकी मान्यता या जो जिस तरीके से मांग के खाता था वो संदेह सारे दूर हो चुके थे। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं धम्मी सीखूंगा, धम्मी मैं जानता हूं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो जानवरों का झुंड जो चरने के लिए जब जाता है उस झुंड से कहकर, झुंड वाले से कहकर और जानवरों के झुंड से उसको कुचलवा के मरवा दिया। तो ये चर्चा जब राजगृह में चली तो भगवान और भिक्कू बैठे हुए थे। भिक्कू ने कहा कि उसकी गति क्या हुई, यानी कि उसका जो लास्ट रिजल्ट है मरने के बाद सुप्रबुद्ध का क्या रहा। भिक्कू और जो भगवान थे वो बैठे, चर्चा चली। तो भिक्कू ने पूछा कि भगवान अब उसकी गति क्या रही, मरने के बाद में उसके कम कैसे रहे। तब भगवान ने देखा और बताया कि वो अब ताव तिंस देवलोक में जाके पैदा हो गया है। ताव तिंस जो देवलोक है, ताव माने होता है तुरंत ही, अब तक, बिना समय गवाए, बिना क्षण गवाए, और तिंस माने होता है 33, और देवता लोक माने होता है अच्छे कर्मों वाला, और लोक माने शरीर, यानी कि वो ऐसे 33 अच्छे शरीर वाले लोगों में अच्छी जगह पैदा हुआ है तुरंत, जिसको ताव तिंस लोक बोलते हैं। दरअसल ये जो लोक हैं ये कई प्रकार के हैं। मनुष्य का जन्म उसके कर्म फल के हिसाब से, जो पूरे जीवन में कर्म जो करता है उसके हिसाब से, उसमें जो फाइलें बनती हैं, जो मनुष्य या जो प्राणी होता है
वो अपने कर्मों की फाइल बनाता है, कर्म की फाइल ही ट्रांसफर होती है, यानी कर्म की फाइल ही आगे ट्रांसफर होती है वाईफाई के थ्रू, और जैसे कर्म की फाइल होती है उसी के हिसाब से वो शरीर को ढूंढता है और वैसा ही शरीर उसको मिलता है, जहां जाके वो आगे जाके फिर अपना शरीर ग्रहण करता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने देखा, ऐसा तथागत बुद्ध ने देखा और बताया। तो यहां वो पूछते हैं कि वो इतना कोढ़ी और बीमार क्यों था, इतना गरीब क्यों था। वो एक कथा कहते हैं, कथा तो कथा है, तो वो बताते हैं क्योंकि वो समय के पहले हिस्से में देख सकते हैं कि इसने कुछ संतों का, कुछ भिक्षुओं का और प्रत्येक बुद्ध का अपमान किया, उनको ऊपर थूका, उसकी इन्हें सजा मिली। और ये चूंकि पहले से ही धम्म में जानता था, धम्म को सीखना चाहता था, वो इच्छा इसकी अब जाके फलीभूत हुई। कहानी कहानी है, कथा कथा है, क्योंकि यहाँ जो पुरानी बातें हैं बुद्ध जानते हैं, हमने तो अनुभव किया नहीं, इसलिए आप इन कहानियों पे इतना ही विश्वास करें जितना आप जानते हैं, जितना आप सीखते हैं। जो आप सीखते नहीं, जो आप जानते नहीं, उसकी चर्चा भी करनी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने जान लिया, मानने की आवश्यकता है नहीं। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। गाथा जितनी भी है वो प्रैक्टिकल है, गाथा जितनी भी है वो मानी जा सकती है क्योंकि वो अनुभव पे उतरती है। गाथा इस प्रकार है, चरंती बाला दुमेधा अमितेनेव अत्तना करोंता पापकं कम्मं यंग होती कटुक फलं। चरंत का जो शब्द है, चरंत और चरती, इनमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। चरंत बोलते हैं जो आचरण करता हुआ घूमता है, यानी कि आचरण की चर्या, यानी चर्या आचरण, जिसको चर्या भी बोलते हैं। कहते हैं ना, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी दिनचर्या का मतलब है कि आप जो दिन में आचरण करते हैं वो आपका कैसा है। चार तरह से आचरण को चेक किया जाता है, देखा जाता है। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है या देवता है, देवता जिन्होंने पांच सील का पालन करते हैं, मनुष्य जो पांच सील का पालन नहीं करते, तो वो देखते हैं कि इनका बैठना कैसे है, इनका रुकना यानी कि खड़े होना कैसा है, इनका चलना कैसा है और इनका सोना कैसा है। ये उस जो विज्ञान है, शरीर का विज्ञान कह सकते हैं इसको, या जो ये जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज पे आधारित है। भगवान बुद्ध ने बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से बताया जब उन्होंने पूरा माइंड यानी मन चेक किया और देखा कि कोई व्यक्ति जो चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, और इसके बहुत सारे पार्ट हैं, खाता है, रोता है, पीता है, बातचीत करता है, किस किस तरह से किस किस से बातचीत करता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, उसकी ब्रैकेटी यानी कि जो उसकी आंखें वो कैसे काम करती हैं, नाक कैसे काम करते हैं, हाथ उसके कैसे हिलते हैं, गर्दन उसकी कैसे हिलती है, किस मुद्रा में किस पोजिशन में वो बैठता है, टांग पे टांग रख के बैठता है या टांग खोल के बैठता है या पैर पे पैर रख के बैठता है, टांग लंबी करके बैठता है या कमर टेढ़ी करके बैठता है। ये बहुत बारीक अध्ययन उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के किए। बॉडी लैंग्वेज के पहले टीचर और पहले जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भगवान बुद्ध रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज तभी से आरंभ हुई है। उस बॉडी लैंग्वेज को यहाँ चर्या बोलते हैं। बुद्ध का भी एक चर्या था क्योंकि वो परफेक्ट मैन थे, इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चलने से, खाने से, बैठने से, उठने से, उनके बातचीत करने के तरीके से, और आप अपने जो वहां भिक्खु थे वो अपने के कंपेरिजन करके ये समझ जाते थे कि अब कैसा है। यानी कि जब आप बात करते हैं तो बात में आपके में कितना राग, कितना द्वेष और कितना मोह मूड़ता है, जब आप चलते हैं तो आपके चलने में कितना राग, कितना द्वेष, कितना मोह मूड़ता है, जब आप बैठते हैं तो बैठने में आपका कितना राग, कितना द्वेष, कितनी मोह मूड़ता है, कितना आलस है, कितने चतुर है, बहुत सारी बारीक बारीक बातें हैं। कभी जब मैं बुद्धचर्या पे बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज की कितनी माइन्यूट बातें उन्होंने बताई हैं। तो यहां कहते हैं चरंती बाला दुमेधा। दुमेधा का मतलब होता है, मेधा माने होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, प्रज्ञा वाला, और दुमेधा का मतलब है दुबुद्धि वाला, यानी कि जो अच्छी बुद्धि नहीं है, जो निकट काम करता है, जो निष्कृष्ट काम करता है, जो निम्न काम करता है, जो हमेशा काम खराब करता है, जो हमेशा बिगाड़ने में लगा रहता है, जो हिंसा फैलाने में लगा रहता है या नुकसान करने में की सोचता रहता है, उसको दुमेधा बोलते हैं। बाला माने होता है मूर्ख या मूढ़ या जो इमेच्योर होता है, अपरिपक्व, और चरंती माने उसका आचरण, यानी कि जो ऐसा जिसकी प्रज्ञा सही नहीं है, जो दुष्प्रज्ञा वाला बंदा है, बेकार समझ वाला बंदा है, मूढ़ है, मूर्ख है, उसका जो आचरण है अमित नेव अत्तना,
मित्रनेब अत्ना का मतलब है ए मित्रनेब, यानी कि अपने जो मित्र है, ए मित्र यानी कि मित्र नहीं है, एव में माने इस प्रकार से, यानी कि वो अपना भी मित्र नहीं है, अत्ना माने अपने आप का, ऐसा आचरण करके जो घूमता है वो अपने आप का भी मित्र नहीं है, यानी शत्रु है। करुणता पापकं कम्मं, करुणता माने करा हुआ या करते हुए, और पापकं माने पाप को, और यंग माने जो, यानी कि पाप कम को करते हुए, यंग होती कटु फलंग, यंग माने जो, होती माने होता है, और कटु फलंग माने कड़वा फल, यानी कि जो ऐसे पाप कम को करता रहता है उसका हमेशा कड़वा फल मिलता है, कटुक फल मिलता है, उसको कभी अच्छा फल नहीं मिलता, सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा उसको दुख मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मूर्ख होता है, जो मूढ़ होता है, वह जब आचरण करता है पूरे दिन में, तो वो बिना बुद्धि का यानी कुबुद्धि वाला, जो दुष्प्रिया वाला यानी दुष्प्रज्ञा वाला जो व्यवहार है उसको करता रहता है, और ऐसा करते हुए वो कभी भी सुख नहीं मिल पाता, जिसका फल हमेशा बहुत ज्यादा खराब होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.